एक बार फिर से आपका एजुकेशन ट्री की हमें स्वागत है। आज हम देखेंगे नेपाल से सटे भारत के कौन कौन से स्टेट है, राज्य, बहुत आसान तरीका से, ठीक है। ऐसा तरीका आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, बस ध्यान से देखिएगा, 100% देखिए, कभी आप लोग जीवन में नहीं भूल, लेकिन एक बार तो जरूर देखिएगा। तो इस तरीका को मैं समझाता हूँ किस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैप मैं बनाया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा मतलब स्टेट जो है नेपाल से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या उत्तराखंड है, ये भी नेपाल से लगा हुआ है। उत्तराखंड को हम सब यूके बोलते थे, यूके का मतलब मत समझिए, यूनाइटेड किंगडम, ये हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है, ये भी नेपाल से सीमा बनाता है। एक हमारा बिहार है, ये भी नेपाल से सीमा बनाता है। एक पश्चिम बंगाल, ये भी बना रहा है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, सिक्किम भी सीमा बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे हम सब याद करेंगे इसको। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि जिसको तो आप जीवन में भूल ही नहीं सकते। तो देखिए कैसे याद करना है। सबसे पहले मैं इसका एक आसानी से ट्रिक बता दूँ, किस तरीके से सोचिए। अब सोचिए कोई भी इंसान जो है, यहाँ पर क्या लिखा है, नेपाल। अगर नेप जाएगा, नेपना मतलब क्या होता है, छुप जाना। तो छुपाने के बाद क्या होगा, वो सबसे पहले किस जगह छुपेगा, तो सबको पता है कि बंगाल में या बंगला में कोई घर होगा छुपने के लिए उसके। उसके बाद वो छुपेगा कि सिक्का उसका पैसा चुराया होगा, इसका मतलब चुराया होगा। या तो कब छुप सकता है, जब वो किसी से हार जाए। जब कोई इंसान किसी से हार जाता है तब वो नेपने लगता है, छुपने लगता है। या और छुपेगा कहाँ, बंगाल में छुपेगा, इसका मतलब किसी बंगला में। और किस चीज़ के लिए छुपेगा, पैसे के लिए, क्योंकि जब भी कोई छुपता है तो कई रीजन होता है। जब वो किसी से हार जाए तब भी छुपने लगता है, नेपने लगता है। और नेपेगा कहाँ, किसी बंगला वंगला में छुपेगा, या तो जंगल वंगल में छुप सकता है। और दूसरा का रीजन क्या हो सकता है, वो पैसा चुरा रहा है। पैसा का मतलब हमारा क्या, सिक्का वगैरह चुरा रहा है। अब सोचिए बंगला में, बंगाल में मतलब छुपा है, बंगाल का मतलब क्या, किसी घर में बंगला वंगला में छुपा है। तो उससे क्या होगा, उतर के आएगा, उतरेगा, एक बार उतरेगा एक बार चढ़ेगा, ताकि मतलब उसको कोई देख न ले, क्योंकि नेपाल अगर नेपाल हुआ है तो वो बार बार देखेगा। सीढ़ी से क्या होगा, उतरेगा, एक बार उतरेगा तो फिर एक बार चढ़ेगा। तो उतरा से क्या होगा, उत्तराखंड, फिर एक बार उतरा नीचे से ऊपर चढ़ा तो फिर हमारा उससे क्या आ गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्यों नेपाल था, क्योंकि वो किसी से क्या हुआ था, हार गया था। और क्यों, कहाँ पर नेपाल था, बंगाल में। बंगाल का मतलब क्या हुआ, किसी घर में, यानी पश्चिम बंगाल में। और क्यों नेपाल था, क्योंकि वो किसी का क्या हुआ था, पैसा चुराया था। पैसा मतलब सिक्का चुराया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इसका एक और तरीका क्या है, इसको मैं एक और तरीका से याद कर सकता हूँ, इसको मैं कह दूँ सिब्बू, ठीक है। तो आज से मतलब ध्यान दीजिए आप लोगों को नेपाल को किस नाम से बुलाना है, सिब्बू, क्योंकि सिब्बू में ही वो सब वर्ड छुपा हुआ है जिससे हमारा क्या है, भारत के सभी राज्य क्या है, सिब्बू में छुपा हुआ है। देखिए कैसे, यस आई से हमारा क्या हो जाएगा, सिक्किम। बी से क्या हो जाएगा, बिहार मतलब। और इस बी से हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ब से बंगाल तो पश्चिम बंगाल। और यू से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और इस वाले यू से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए आज के बाद सबको क्या है, नेपाल को क्या बुलाना है, आज से उसका नाम क्या है, सिब्बू रख लीजिए। अब जब भी हमारा भारत के राग सटे राज्य से अगर पूछे कि नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सटा हुआ है, तो उसका नाम क्या हमको रखना है, सिब्बू। यस आई से सिक्किम, बी से बिहार, बी से बंगाल, और यू से उत्तर प्रदेश, और यू से हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। तो आज से सभी लोगों को बस डेली के डेली कहते रहिए कि नेपाल हमारा क्या है, नेपाल नेपाल नहीं, उसका नाम क्या हो जाएगा, सिब्बू हो गया। तो आज से नेपाल को हम सब क्या बोलेंगे, सिब्बू, ताकि हमारा क्या है, आसानी से ये बात याद हो जाए कि नेपाल जो है किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। तो नेपाल हमारा किन राज्यों से सीमा बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से। और उसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सिब्बू, ठीक है। तो आज से सबको नेपाल को क्या बुलाना है, सिब्बू। अब देखिए भारत से कितना लंबी सीमा बनाता है, 1751, ठीक है, 1751। तो इसके नाम ही में जैसे लग रहा है 1751, मतलब क्या है, खतरा है, उसके बाद 51। तो 1751 किलोमीटर के क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैप के द्वारा भी इसको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैं इसको समझा दिया, पर बस हमको डेली के डेली हर 5 दिन पर बुलाइए नेपाल को क्या, सिब्बू, ताकि सिब्बू में ही क्या है, ये सब सारा वर्ड हमारा क्या है, छुपा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी। अगले वीडियो में इसी ट्रिक के साथ मैं जीके या जीएस का क्वेश्चन मैं ट्रिक के साथ बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।